ऐसी जीत तो चाहे जिंदगी है। सोर सपाटा भोपाल में आए हुए हैं और चलते हैं सोर सपाटा घूमने। तो चले दिखाते हैं सोर सपाटा का लोकेशन एंड बोर्ड। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये सोर सपाटा का बोर्ड लगा हुआ है भोपाल में, ये रोड है। तो चलते हैं आगे, सोर सपाटा आगे है तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंचने ही वाले, थोड़ा सा और बचा है। तो ये आप बोर्ड देख सकते हैं, सपाटा आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा सा तालाब दिख रहा है आपको, और यहाँ देखा जाए तो मूर्ति भी सोर सपाटा तालाब पे यहाँ बहाया जाता है। ये देखिए मूर्ति की कई यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ से देखा जाए तो बहुत दूरी तक दिख रहा मेरे को, ये देखिए आप सामने भी देख सकते हैं। तो चलते हैं सोर सपाटा घूमने। तो दोस्तों आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हम सोर सपाटा पहुँच चुके हैं, और ये रहा सोर सपाटा का गेट। तो चलते हैं दोस्तों अंदर घूमने सोर सपाटा के। ये था सोर सपाटा का गेट है, और इतना जब बाहर से खूबसूरत लग रहा दोस्तों तो अंदर क्या होगा। तो चलते हैं अंदर घूमने। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भोपाल में सोर सपाटा पहुंच चुके हैं, और ये था वहां का लोकेशन। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी साइकिल है, और आगे तालाब भी है, और आगे ये था घूमने का स्थान और जगह। तो चलते हैं आगे घूमने। तो दोस्तों ये सोर सपाटा का तालाब है, और ये बहुत ही बड़ा तालाब है। तो ये लोकेशन देख सकते हैं आप, तो आपको ये पूरा मैं तालाब घुमा के दिखाता हूँ। बहुत ही बड़ा तालाब है, ये देख सकते हैं आप, ये घुमा दिया। और ये देखिए भाई, एक ये खोर हुआ और फिर तीसरा ये खोर हुआ तालाब का। ये देखिए बहुत ही बड़ा, तीन खोर पर बटा हुआ है ये तालाब, और ये बीच में इन लोग घूम रहे हैं भोपाल में ये। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये, तो आप ये देखिए फिर कितना बड़ा ये बना हुआ है उस पार जाने के लिए। जैसे आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, कई फिल्मों में पुल, क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को आप लोग को मिल रहा है दोस्तों। गाइस सोर सरावा के अंदर एक ये लोकेशन पे हम आ चुके हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लोकेशन है। आपको हर एक जगह यहाँ सोर सरावा का ये दिखेगा लोगो, ये कितना खूबसूरत लग रहा गाइस। अब तो चलते हैं हम लोग स्कूल पे, चलते हैं घूमने। गाइस यहाँ कितना खूबसूरत पौधे और गार्डन लग बना हुआ है, और ये आप लोग देख सकते हैं स्कूल पर हम लोग आ चुके हैं। तो चलते हैं और ऊपर, तो वहाँ से आप लोग को ब्लॉगिंग दिखाते हैं। तो नेक्स्ट तक हमारे ब्लॉगिंग में बने रहिए, और यहाँ का खूबसूरती देखते रहिए। भाई सब लोग पुल पे आ चुके हैं, ये देखिए पुल का लोकेशन, और आगे चलते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा गाइस यहाँ लग रहा है, ये देखिए। मैं आपको यहाँ से चारों तरफ का थोड़ा थोड़ा लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए। तो चलते हैं आगे गाइस, वाला है टावर, और ये आप लोग देख सकते हैं। फिर तो आपको यहाँ से एक ये दिखाता हूँ रोड का पुल, ये देखिएगा जहाँ से गाड़ी जाती है ये पुल है। कितना खूबसूरत यार नज़ारा लग रहा है गाइस, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा लोकेशन लग रहा है। चारों तरफ हरा हरियाली दिख रही है आपको, और बीच में कितना खूबसूरत ये तालाब कितना बड़ा है भाई। तो यहाँ मूर्तियाँ भी बहाई जाती गाइस, आप लोग ये देख सकते हैं मूर्तियाँ की ये ढेर पड़ा हुआ है। चलते हैं और आगे आपको लोकेशन दिखाते हैं गाइस। देखिए भैया लोग यहाँ रील्स बना रहे हैं। तो भैया यहाँ सोर सपाटा में घूम के आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का लोकेशन कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील, यहाँ का वातावरण जो भी है, और सोर सपाटा जो कि मशहूर होता है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। भोपाल में ऐसे कई जगह लोकेशन से गाइस आपको घूमने के लिए मिलेगा, और सबसे प्यारा लोकेशन हमको यही लगा सोर सपाटा। ये देखिए भैया लोग अपने रील्स बनाने में लगे हुए हैं, देख सकते हैं घूम चुके हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा लोकेशन बचा हुआ है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं लाइट बत्ती भी लगी है, नाइट पे इसका नज़ारा और ही अच्छा लगता होगा, रात में बहुत ही खूबसूरत और चौंचक लागत हो यार।
रात में तो ये लोकेशन बहुत चौचक लगा था। पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं आप कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है। तो चल आपको फ्लैश टाइम दिखाते हैं, बैक कैमरा से आपको हम दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन। और ये था यहाँ का लोकेशन, सबसे अच्छा हमको यहाँ का नज़ारा ये देखने को मिला है। बहुत ही खूबसूरत और चौचक नज़ारा है, जो हर एक तरफ हरियाली से भरा हुआ है और इतने खूबसूरत पौधे वृक्ष लगाए गए हैं छोटे छोटे, जो गार्डन वाले हैं गार्डन का जो होता है। और कितना प्यारा गार्डन लाइफ लग रहा है इधर। यहाँ घूमने और बच्चों को खेलने के लिए भी उपलब्ध है हर एक चीज़। यहाँ देखिए झूले भी लगे हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए। भाई ये लोकेशन है यहाँ का, तो आपको लोकेशन फ्रंट राइट दिखाते हैं। तो चलते हैं इधर सर हम लोग घूमने, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए नेक्स्ट टाइम तक। गाइस ये देख रहे हैं आपको कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ आप लोग देखिएगा ये कोई जैसे नहा रहा हो, पर नहीं गाइस ये कोई नहा नहीं रहा, ये केवल मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये केवल मूर्तियाँ बना हुआ है। और आप लोग ये लग के लोकेशन बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा होगा। मतलब फूल पत्तियाँ तोड़ना मना है भाई यहाँ लोगों। आइएगा कभी यहाँ प्यार घूमने तो फूल पत्तियाँ मत तोड़िएगा, या फिर झुंडवाना भी लगेगा। तो भाई यहाँ का ये नज़ारा था, और ये देख सकते हैं झरना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पास। और गाइस ये देखिए कितने बढ़िया यहाँ पेड़ पौधे, और ये कितना अच्छा हरियाली दिख रहा है इधर। ये देखिए न्यू व्लॉगिंग, और ये था यहाँ का नज़ारा। ये क्या बढ़िया हरियाली दिख रही भाई, वाह। ये देखिए भाई कितना खूबसूरत है यहाँ का लोकेशन। ये म्यूजियम ट्रेन भाई है, यहाँ का घूमने का चार्ज भी लगता है। ये देखिए चार्जिंग कितना क्या है रेट। तो ये सफ़र यहाँ का करने के लिए म्यूजियम ट्रेन, और इधर ये तालाब हम लोग यहाँ का, और यहाँ का ये पुल है, और ये तालाब बोटिंग है, बोटिंग जिसको करना हो भाई। तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।